कोरोना काल में जहां सरकार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की हिदायत देती हुई नजर आ रही है, तो वही कुछ नज़ारे इस दौरान ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जो कि पूरी तरीके से कोरोना को दावत देने का काम कर रही हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ में, जहां कोरोना वायरस के दौरान एक बारात सड़कों पर निकली और इस बारात में सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उसका माहौल उड़ाते हुए बकायदा सड़कों पर जमकर डांस किया और इतना ही नहीं सड़कों पर नोट भी उड़ाए गए। वहीं इस मुद्दे पर दूल्हे से बात की गई तो उनका कहना था कि ये 2 महीने से ज्यादा से वो अपनी बारात की तारीख टाल रहा था और 2 महीने के बाद मुहूर्त मिलने पर उसकी बारात दुल्हन लेने के लिए मंडप पहुंची। मजा आ रहा है बारात का, मैं जोर से बोलो यार। नाम क्या है आपका? सूरज। शादी पोस्टपोन करी थी, मास्क लगा रखा है। कितने टाइम से शादी रुकी हुई आपकी? 2 महीने से। दो ढाई महीने से शादी नहीं। तो कोरोना में घर में थे, प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे जी, वालों ने भेज दिया था घर। क्या काम करते हो? ऑटोमोबाइल का काम करता हूँ। अच्छा, तो कोरोना में तो घर ही रहे? बिल्कुल नहीं, जॉब भी रहे हूँ। आज 1 महीना घर रहे हूँ। अभी शादी का कितना टाइम इंतजार करा आपने? 6 महीने। अब जो मतलब रिश्ता कब से हुआ होता? 6 महीने हो गए। 6 महीने तो शादी का लॉकडाउन में इंतजार कर रहे थे? वहीं इस मुद्दे पर SDM मवाना का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जिन लोगों ने भी कोरोना वायरस की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी क्या गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना को लेकर के यहाँ मवाना में और किस तरीके से? अब कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसी का हमें पालन करना है। शादी के संबंध में अब 50 व्यक्तियों के संबंध में एक छूट दी गई है, तो उसी के अनुसार हम अनुमति देंगे और लोगों को पूरा मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का वो सब कड़ाई से अनुपालन करने का निश्चित करेंगे। हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने एक बारात देखी जिसमें दूल्हा बगैर मास्क के था, सब डांस कर रहे हैं बगैर मास्क के, पूरी एक बारात निकल रही है बैंड बाजे सहित, मतलब पूरा DJ बज रहा है। ऐसी निकलने की हमारी ओर से कोई अनुमति नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो हम संज्ञान लेके उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। शादी की खुशी में इतने मशगूल होने के बाद कोरोना नियमों को भूलना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन जनता कोरोना नियमों का पालन करना तो जैसे भूल ही गई है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई इन लोगों पर करता है। पंजाब केसरी TV के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।